हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दें। अभी हम जा रहे हैं अपने हमारे चक का जो ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। उधर हमारा एक बहुत ही उधर ना एक अजीब अजूबा आया है, अजीब अजूबा आया है। उधर एक नई चीज लोग लेकर आए हैं। मेरे साथ काशी भाई हैं जिनकी दो सपनियां आई हैं। ऐसे काम ही ना करे बंदा के मुंह छपाना पड़े। व्यूवर्स, ग्राउंड में एक अजीब जुब्बा आया हुआ है, एक न्योला आया हुआ है। वो न्योला हम आपको दिखाते हैं। हमारा जो चक का ग्राउंड है उसके अंदर एक न्योला आया हुआ है, तो वो अभी आपको जो है ना उसका दीदार करवाते हैं। भाई साहब, हम यहाँ पे ग्राउंड में आ चुके हैं और यहाँ पे ये देखें, ये हमारा जो जुब्बा है, ये न्योला है, ये यहाँ पे आया हुआ है। आप क्या है? मैं वो इसकी कुत्ते वाली होती। सताए हुए हो तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द व्यूअर्स। हो गया, यहाँ पे हमारे सामा भाई मौजूद है। ये देखें, ये भी मुंह छुपा रहे हैं। बंदा ऐसे काम ही ना करे कि जिनसे मुंह छुपाना पड़े। तो काशी भाई, सामा भाई मुंह क्यों छुपा रहे हैं? काशी भाई नहीं जानते। सामा भाई आप बताएं किस वजह से मुंह छुपा रहे हैं? आप बताएं, लोग आपको दीदार कर रहे हैं। फाइनली व्यूअर्स, नेक्स्ट डे चेक करें। सुबह सुबह जो है धूप हमारे चेहरे के ऊपर पड़ रही है। अभी हम सामा भाई के घर आए हैं। सामा भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं। सामा भाई के घर हम क्यों आए हैं, ये व्यूअर्स आपको याद होगा। हमारी ब्रैकेट इसका यहाँ से ये देखें, थोड़ा सा कलर ख़राब था, इनके पास कलर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कलर कर देते हैं सामा भाई से लेकर, थोड़ा सा चाहिए हमें, तो फिर इसे सेल आउट कर देंगे। ब्रैकेट फिर से जो है नई हो चुकी है और अभी ये हम सेल कर देंगे। व्यूवर्स, आधे घंटे के बाद ही जो है ना सूख गई, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, कलर सूख गया, अभी सेल के लिए ये बिल्कुल रेडी। अभी हम व्यूवर्स फाइनली हमने, सामा भाई मुझे दे दें ब्रैकेट, यहाँ पे ना रखें इसे। इसे पानी के लिए जो है ना हम कैन में लेके आते हैं। ये कैन के अंदर देखो, अच्छा ये यार टूटी खराब हुई हुई है, टूटी लगवानी है। व्यूवर, ये ब्रैकेट जो है ना हम यहाँ पे, ये देखें व्यूवर, मेरे दो कंप्यूटर जो खराब मैंने किए हैं। तो सामा भाई चले। ब्रैकेट जो है वो मैंने कलर वगैरह करके रख दी और रोलेक्स पे भी मैंने इसका ऐड दे दिया। आप देखते हैं, अगर कोई लेने वाला आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, पड़ी दे। व्यूवर्स चेक करें भाई की ड्राइवरी, चेक करें भाई, रिवर्स लेकर आ रहे हैं। हमारे जो है गांव का रोड बन रहा है, मेन रोड, यहाँ से हमारे गांव की जो है ना एंट्री है, दो एंट्री है, एक इस साइड से, एक गांव की दूसरी साइड से। तो ये वाला रोड जो है ना पक्का हो रहा है। तो भाई की ड्राइवरी आप चेक करें। व्यूवर, हम भाई को मान गए, हामा भाई भी मेरे पास खड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं भाई की ड्राइवरी बहुत है। भाई भाई दूसरा का पता, पहला गियर लगाते हैं, गोली की तरह देखे जाते हैं, गोली की तरह रिवर्स ले कर आते हैं। और सड़क का काम हो रहा है, इंशाल्लाह हमारा गांव भी जो है जो शहर की तरफ जो है ना तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। ट्रैक्टर का टायर खुल गया और यहाँ पे वहाँ पीछे छाड़ दी, यहाँ से उठाएंगे और ये टायर सेट करेंगे। ए जी उस्ताद जी, उस्ताद जी चाओ ना लाल जोर लाओ, उस्ताद जी ताजी जोर लगाओ जी। चलो जी, काम गुड हो गया जी, उत्ते चाह सट यार बाज बजो उस्ताद जी। वहदी पई है नेट से, वहदी पई है लाला, नेट से वहदी पई, टेंशन ना घेर भाई जान। यहाँ से भाई लोग ऊपर चढ़े हुए हैं और ट्रैक्टर को उठाया हुआ है, जोर लगा रहे हैं जी। हो कोई नहीं थींदा, कोई नहीं थींदा, बांझ है बांझ बांझ। चाओ 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 जोर लगाओ भाई जान। यहाँ पे सड़क बन रही है, ट्रैक्टर का टायर, ओ जी ए चा छोड़े आंसू का, ले बजो
फाइनली भाई जान ट्रैक्टर का टायर जो है डल गया है, बिल्कुल फिट हो गया है काम, अभी फिर ट्रैक्टर चलने के लिए रेडी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा चक जो है तरक्की कर गया है और यहाँ पे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये वाली सड़क भी बन रही है, मेन जो सड़क एंट्री होती है वहाँ पे पुल बंद किया हुआ है उन्होंने, वो भी सड़क बन रही है अभी, मतलब कि सारा जो है ना आगे सीन इस तरह। समा भाई, क्या हमारा छह चक पैरिस बनेगा या USA बनेगा या अमेरिका का कोई? बनेगा, पाकिस्तान ही बनेगा। तो अभी बस अभी जो है सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी मैं इस टाइम मक्का मोड़ पर आ गया हूँ, होटल पर मैं बैठा हुआ हूँ, तो मुझे अभी अभी एक खबर मिली है जो हमारे भाई थे, भाई साजिद, वो अभी YouTube पे मतलब के वर्क वगैरह कर रहे थे, वीडियोस वगैरह बनाते थे, तो उनके साथ एक पार्टनर था, उनका जो बच्चा था एक तकरीबन होगा 10-12 साल का, वो उनके साथ वीडियो बनाता था, तो उनकी आपस में जो है ना मुझे लगता है कोई बहस वगैरह हुई या कुछ हुआ है, तो वो जो है ना बच्चा हो गया भाई साजिद से नाराज़ और वो ना उसके साथ वीडियो नहीं बना रहा, उनके साथ उनकी होगी लड़ाई, तो अभी ये पता नहीं क्या सीन है, तो बाकी देखते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैं आज की वीडियो एंड कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।